नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपको गर्मियों के कपड़े किस प्रकार रखें जिससे कि हमारी अलमारी में ऊन के कपड़ों के लिए स्पेस हो जाए। तो ये देखिए, मैंने अपने कॉटन के सारे सूट, सलवार, नाइट सूट और दुपट्टे सभी को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और ये वाली पॉलीथीन ली है हमने, ये देखिए इस तरह की पॉलीथीन आती है, कोई ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस वाली पॉलीथीन में बहुत सारे कपड़े हमारे स्टोर हो जाएंगे और हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, और ये स्पेस भी कम लेती हैं और सस्ती भी बहुत आती हैं। ये 50 रुपीज़ की आएंगी आपकी, 20 या 25 पॉलीथीन आ जाएंगी, और इनके अंदर आप पूरे घर के गर्मियों के कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं एक पॉलीथीन ले लूँगी, ये देखिए ये हमने एक पॉलीथीन ले ली है, और इसमें बहुत सारे गर्मियों के सूट दुपट्टे हमारे आ जाएंगे, क्योंकि अब समय आ चुका है सर्दियों के कपड़े निकालने के। मीठी मीठी ठंड होने लग गई है, तो अब हम इस पॉलीथीन को खोलकर मैं कपड़े रख लूँगी पूरे गर्मियों के, और उसके बाद अपनी अलमारी में हम आराम से सर्दियों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये देखिए मैंने फोल्ड कर ली हैं खूब सारे अपने दुपट्टे, नाइट सूट्स, टी शर्ट्स एंड अपने सारे कमीज भी फोल्ड कर लिए हैं। और एक ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था अपने पॉलीथीन के साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ किस तरह से आप ये पॉलीथीन से ही ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जो हम साड़ी पॉलीथीन आती हैं। तो हम अब इन सब चीज़ों को फोल्ड करके इन पॉलीथीन के अंदर रख लेंगे। तो मैं रख के आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं सारे दुपट्टे अपने रख लूँगी, क्योंकि अब मौसम ऐसा आ गया है दुपट्टे नहीं ओढ़े जाएंगे। तो मैं ये सारे अपने दुपट्टे इस पॉलीथीन में ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी गर्मियों के लिए, जो मैं अब यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अब स्टोल या इस तरह के हैवी कपड़े पहने जाएंगे। एक दो दुपट्टे जो मैं पहनूँगी वो सिर्फ मैंने बाहर रख लिए हैं, बाकी सब दुपट्टे देखिए कितने सारे दुपट्टे आ गए हैं हमारे इसके ऊपर। इसी के ऊपर मैं कुछ लेगिंग भी रख सकती हूँ, चाहे तो सिर्फ दुपट्टे रखकर और ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और या गांठ लगा दीजिए, और हमारे सारे दुपट्टे और इसमें से दिखाई भी दे रहे हैं, हमें पता भी चल जाएगा हमने कौन सी पॉलीथीन में क्या सामान रखा है, क्या दुपट्टे रखे हैं। इस तरह से मैं सारी पॉलीथीन में अपने गर्मियों के कपड़े पैक कर लूँगी, और उसके बाद अपने सर्दियों के कपड़ों के निकाल कर अपनी अलमारी में अरेंज कर सकती हूँ आसानी से। आप भी ये आइडिया अपना सकते हैं पॉलीथीन में। इस तरह की पॉलीथीन हमारी कई बार ग्रोसरी के सामान में आती हैं, चीनी में और भी कई तरह की चीज़ों में। तो ये 5 किलो वाली पॉलीथीन में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, कोई ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन पॉलीथीन को डस्टबिन में फेंकने से बेटर है कि आप इनका यूज़ कीजिए स्टोरेज के लिए। बहुत ही अच्छा है ये गर्मियों के कपड़े रखने के लिए, और इसमें हमें दिखाई भी देती हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 पॉलीथीन में ही मेरे सब कुछ कपड़े आ गए हैं। इसमें मेरे सारे दुपट्टे और नाइट सूट आ गए हैं, इसमें मेरी शर्ट्स और इसमें सारी लेगिंग्स और पैंट्स वगैरह आ गई हैं। और ये तीनों मैं अपने दीवान में रख दूंगी, और दीवान में से वूलन कपड़े निकाल कर हम अपनी अलमीरा में प्लेस कर सकते हैं। और कितनी आसानी से ही हमने अपने सारे कपड़े 2-3 पॉलीथीन में ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। ये भी मैंने पॉली बैग से ही बनाया था, और ये जो साड़ी की पॉलीथीन आती हैं उससे ही ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। ये ऑर्गेनाइज़र कैसे बना सकते हैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इस तरह से आप अपनी गर्मियों के कपड़ों को रख सकते हैं एक जगह पर। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ हैवी सूट्स मैंने अभी नहीं रखे हैं पॉलीथीन में, क्योंकि अभी पूरी अच्छे से ठंड नहीं आई है, ये विंटर में चल जाएंगे। इनके ऊपर कार्डिगन वगैरह पहनकर इन्हें मैं अपनी अलमारी के कोने में रख लूँगी। जब फुल विंटर आ जाएगी फिर मैं इनको पैक करके इसी तरह से दीवान में ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। इस तरह फ्रेंड्स, यदि आपको भी ऑर्गेनाइज़ करने का यह आइडिया अच्छा लगा है, तो आप भी अपने कपड़ों को ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बिल्कुल सस्ते में और आसानी से। अगर आपको यह आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी ज़रूर करें। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।